कई खरीदी केंद्रों से अभी तक धान का उठाव नहीं हो पाया है, जिससे 68,000 क्विंटल से भी ज्यादा धान खराब हो गए हैं, जिसको लेकर खरीदी केंद्र समिति के कर्मचारी और विपणन विभाग के अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां समिति के कर्मचारियों का कहना है कि 72 घंटे के भीतर धान का उठाव कराने के लिए विपणन विभाग ने अनुबंध किया था, लेकिन 6 महीने के बाद भी धान का परिवहन नहीं हुआ है। ऐसे में धान की भरपाई की जिम्मेदारी विपणन विभाग की है, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग के अधिकारियों ने धान खराब होने पर उसकी भरपाई के लिए समिति केंद्रों के कर्मचारियों पर दबाव बनाना चालू कर दिया है, जिसके तहत 3 कर्मचारियों पर FIR दर्ज भी करा दी गई है। वहीं समिति के कर्मचारियों ने जिला विपणन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी मांग करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। अभी वर्तमान में 68,775 क्विंटल धान जो है अभी समितियों में रखा हुआ है और इसकी उठाव की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। पहले संग्रहण केंद्र के द्वारा उठाव किया जा रहा था, वर्तमान में अभी मिलर के द्वारा DO के थ्रू उठाव कराया जा रहा है। इसकी वजह देखिए क्या है कि लगातार पानी भी गिरा हुआ है, इस बार आप देख रहे हैं कि करोड़ों का संक्रमण भी है, जिसके कारण हमाल मिलने के कारण लेट हुआ, बहुत सारी समस्या लगातार आती रही। हम पर्याप्त मात्रा में पैसा प्रति बोरा 44 रुपए की दर से समिति प्रबंधक को देते हैं कि खरीदने के पश्चात वहां पर ड्रेनेज और त्रिपाल की व्यवस्था ठीक ठाक से करें, और इसलिए वो जिम्मेदार हैं कि वो वहां पर शॉर्टेज नहीं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता रोहित कश्यप जुड़ गया है। रोहित, आखिर क्या कुछ वजह रही कि खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन नहीं हुआ? देखिए बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये कि 6 महीने गुजर गए हैं, इसके बावजूद मुंगेली जिले के अधिकतर धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव करना शेष है और 68,000 से भी अधिक क्विंटल जो धान है वो समितियों में रखाया हुआ है। इसके अलावा 50,000 क्विंटल से भी ज्यादा जो धान है वो बारिश में खुले आसमान के नीचे में होने के कारण भीग कर खराब हो गया है। इसके लिए जिम्मेदार अब जो समिति के कर्मचारी है उनका कहना है कि समय पर उठाव नहीं हुआ है, जिसके चलते विपणन विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि विपणन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए समिति के जो कर्मचारी है वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि रख रखाव के लिए आवंटन भी जारी किया जाता है। जबकि समिति के कर्मचारियों को कहना है कि हमारे पास जो फंड होता है उस पर उठाव करना समिति स्तर पर मुनासिब है ही नहीं, और 72 घंटे का अनुबंध विभाग के द्वारा जब किया जाता है लेकिन 6 महीने गुजर गए इसके बाद ही उठाव। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, समिति कर्मचारी हमारे साथ में जुगल साहू जुड़ गए हैं। जुगल जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी मैम, मुंगेली से मामला सामने आया है जहां खरीदी केंद्र के कर्मचारियों पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और जो खरीदी वहां पर है धान है जो उसका परिवहन अभी तक नहीं हो पाया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैम हमको क्या है, एक अनुबंध के तहत कार्य करवाया जाता है जी, जिसमें 72 घंटों का रहता है कि आप 72 घंटे के अंदर इसको हम उठा कर ले जाएंगे, उनका कहना रहता है जी। लेकिन हमें ये स्थिति है आज के डेट में मुंगेली जिले में जी, छत्तीसगढ़ के और कई जिलों में स्थिति है कि आज दिनांक तक कई धान नहीं उठा हो चुका हुआ है जी। तो आपने कहा कि 72 घंटे का समय आपको दिया जाता है कि धान वहां से परिवहन कर लिया जाएगा, अगर 72 घंटे के अंदर परिवहन नहीं हुआ था तो आप लोगों ने किसी जिम्मेदार से इसको लेकर बात नहीं की क्या? हम इसके संबंध में मैडम एक एक हर कर्मचारी कम से कम 10-10 लेटर दे चुके थे जी, आप लोगों ने किससे बात की थी? हमारे जो यहाँ के जो जिला लेवल के जो अधिकारी होते हैं, पंजीयक सर, DMO होते हैं, फूड कंट्रोलर होते हैं, इन सबको बार बार अवगत कराया जाता था कि यहाँ स्टॉक से जो बफर लिमिट हमको तय किया जाता है उससे 10-20 गुना धान पड़ा हुआ है जी, और इस साल भी मौसम बारिश हो रहा है जिसमें खराब भी हो सकता है, ये सब सूचना हमारे द्वारा बार बार दिया जा रहा था जी, लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई और न ही परिवहन उठाव कराया गया जी। जी चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और संवाददाता रोहित हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, आपने सुना ही होगा जो लगातार जिन पर इस पूरे मामले का ठीकरा फोड़ा जा रहा था। देखिए, 3 जो समिति के कर्मचारी उनके यहाँ पर रोहित आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में
सागर सिंह बेस उड़ गए हैं, जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस है। सागर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सांसद अरुण साहब होंगे जी, बहुत स्वागत है आपका। सांसद अरुण साहब हूँ मैं, वापिस आऊंगी आपसे। और बहुत स्वागत है अरुण जी आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। मुंगेली से सर मामला सामने आया है, जहां पर खरीदी केंद्र के जो कर्मचारी हैं उन पर तमाम सारे आरोप भी लगे हैं, और कहना है कि वहां से जो धान था उसका परिवहन नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? वास्तव में राज्य सरकार की धान खरीदी की कोई तैयारी नहीं थी जी। समिति के ऊपर बोझ थोपा गया, समिति को कोई सुविधा नहीं दी गई राज्य सरकार ने जी। और धान खरीदी का ड्यूरेशन बहुत कम किया जी। और इस दौरान धानों का जो परिवहन हुआ, संग्रहण केंद्रों से जो परिवहन होना था जी, उस परिवहन में विलंब हुआ, तो वास्तव में राज्य सरकार और उसके अधिकारी दोषी हैं जी। और ये छोटे कर्मचारियों पर FIR करके उनको प्रताड़ित करने का जो काम किया गया है, निश्चित रूप से जो सहकारी समिति के जो मैनेजर है, प्रबंधक है, उनके साथ अन्याय कर रही है राज्य सरकार। इसकी जांच की जानी चाहिए थी, वास्तव में परिवहन समय पर हुआ कि नहीं हुआ, और समितियों को धान रखने के लिए व्यवस्था उचित की गई कि नहीं की गई जी। इन बातों की जांच किए बिना बेचारे छोटे कर्मचारी, उनके ऊपर जो FIR करने का जो सरकार का ये तानाशाही पूर्ण कार्यवाही है, छोटे कर्मचारियों के ऊपर जो कार्यवाही की जा रही है जी, बिल्कुल। अरुण जी, इससे पहले मेरी वहाँ की कर्मचारी से भी बात हुई, जिनका कहना है कि हम लोगों ने तो जिम्मेदारों को अवगत करा दिया था, बावजूद इसके वहाँ से जो परिवहन है वो नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि आपको ये मामला बखूबी पता है, तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए आपको भी कोई पहल करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में तो आपकी भी सरकार है ना? मेरे पास कुछ इनके प्रतिनिधि मंडल आए थे जी। मैंने तत्काल कलेक्टर से ये कहा था कि पहले इसकी जांच होनी चाहिए जी, वास्तव में कौन दोषी है, उसके बाद ही FIR की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के दबाव में ये छोटे कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का काम राज्य सरकार कर रही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका। और रोहित कश्यप हमारे साथ में लगातार संवाददाता जुड़े हुए थे। रोहित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़िए अगली खबर की।